हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर देखते हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला, उसमें भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया था। उसमें जो सवाल थे उसके इन्फॉर्मेशन और इसमें अभी जो मैं बनाने वाला हूँ सारा उसके जो इन्फॉर्मेशन है उनसे थोड़े अलग है, तो बनाकर देखते हैं। पहला सवाल, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन भाई? तो ये 31 मार्च 2021 को ये है सारा जो अमाउंट है, 31 मार्च 2021 का और 31 मार्च 2022 का। किस तरह से है? तो भाई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 31 मार्च 2021 को, मतलब प्रीवियस ईयर में 30 लाख और 31 मार्च 2022 को करेंट ईयर में 40 लाख। फिर है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 19 लाख 19 लाख और फिर है करेंट ईयर में 20 लाख। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज यहाँ पे है 1 लाख, लेकिन निगेटिव है, माइनस में है, और जो माइनस में उसे क्या बताया था मैंने, ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव है चेंज इन इन्वेंट्रीज, कब? प्रीवियस ईयर में 31 मार्च 2021 को, और 31 मार्च 2022 को ये है पॉजिटिव है 2 लाख, ठीक है। फिर अदर एक्सपेंसेस कितना है? तो 1,80,000 है प्रीवियस ईयर में 31 मार्च 2021 को, और 31 मार्च 2022 को ये है 1,76,000। तो ये इंफॉर्मेशन है अपने पास, इससे हम लोग बनाएंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले फॉर्मेट, पहला कॉलम ये पर्टिकुलर रहेगा, इस पर पर्टिकुलर, उसके बाद में नोट नंबर, उसके बाद प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर, फिर एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज, फिर परसेंटेज चेंज इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या बना रहे हम लोग? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। For the year ended 31st March 2021 and 31st March 2022, मतलब 31 मार्च 2021 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और 31 मार्च 2022 का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके बीच कंपैरिजन करता है। क्या है यहाँ पे? पार्टिकुलर्स, उसके बाद में नोट नंबर, उसके बाद 31 मार्च 2021 का जो भी अमाउंट है यहाँ पे दिखाएंगे इस कॉलम में, और 31 मार्च 2022 वाला यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। ये कॉलम हो गया एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज वो इंक्रीज भी हो सकता है या वो डिक्रीज भी हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, और परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें क्या दिखाएंगे? तो जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है एब्सोल्यूट चेंज में उसका परसेंटेज क्या है, जितना कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, वो परसेंटेज यहां पे दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है भाई, एक नंबर में दिखा देना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये कितना है? 30 लाख, और फिर ये है 40 लाख। तो क्या हो रहा है, कैसे निकालेंगे इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? करंट ईयर वाले से, मतलब 31 मार्च 2022 वाले से प्रीवियस ईयर वाला 31 मार्च 2021 वाला डिडक्ट करेंगे, तो 40 लाख में 30 लाख डिडक्ट किया तो कितना? 10 लाख। अगर करंट ईयर वाला ज्यादा है तो इंक्रीज हो रहा है,
और अगर प्रीवियस ईयर वाला ज्यादा है तो डिक्रीज हो रहा है, तो करेंट ईयर वाला ज्यादा है, कितना ज्यादा है 10 लाख, तो ये 10 लाख इंक्रीज हुआ। अब परसेंटेज इसका कैसे निकालेंगे, बताया था मैंने पीछे वाले वीडियो में भी, जो ये जो कॉलम है इस कॉलम में जितना इंक्रीज किया वो कितना इंक्रीज किया 10 लाख मल्टीप्लाई 100% के लिए 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला 30 लाख, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा, मेरा कैलकुलेशन किया हुआ है, आप खुद से भी करके देखेंगे 33.33%, तो यहां पे लिख दिया 33.33, ठीक है। उसके बाद में अगला आते हैं इसे यहां पे, क्योंकि अदर इनकम कुछ है नहीं तो यही जो है इनकम मात्र यही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कोई दूसरा इनकम नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम लोग दो नंबर में जो है क्या आएगा, तो सारा एक्सपेंस, तो ये सारा एक्सपेंस होगा लेस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या है, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है लेकिन परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है 19 लाख प्रीवियस ईयर में, और करेंट ईयर में 20 लाख। तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, 19 लाख से 20 लाख हो गया, तो 1 लाख इंक्रीज किया, यहां पे लिख दिया 1 लाख। अब इसका भी परसेंट वैसे ही निकालेंगे, जितना इंक्रीज हुआ 1 लाख इंक्रीज हुआ मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला 19 लाख, तो कितना आएगा, ये आएगा 5.26%, तो इसे यहां पर लिख दिया 5.26%। इसके बाद में चेंज इन इन्वेंटरीज ये कितना है भाई, तो प्रीवियस ईयर में निगेटिव था माइनस में है ना, तो उसे दिखाएंगे इस तरह 1 लाख, इसे दिखाएंगे हम ब्रैकेट में, और करेंट ईयर में 2 लाख, तो इंक्रीज कितना हुआ यहां पे समझना है। हमारा पहले निगेटिव था 1 लाख, अभी प्लस में है 2 लाख, तो कितना बढ़ा, तो भाई 2 लाख बढ़ के 2 लाख हो गया अभी, मतलब पिछला जो नेगेटिव था जो माइनस में था उसे कंपनसेट करते हुए 2 लाख हुआ, कहने का मतलब 3 लाख इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऐसे भी क्या करेंगे, ऐसे ही अगर करते हैं तो क्या करते हैं, करंट ईयर वाले से प्रीवियस ईयर वाला घटाते हैं, तो भाई करंट ईयर वाला 2 लाख, ठीक है, और इसमें से घटाते हैं, ठीक है ना, तो घटाते जिसे हैं, जिसे घटाना है वो खुद ही निगेटिव है, तो उसे इस तरह से दिखा देंगे 1 लाख, तो कितना होगा, अब इसे आगे अगर ले जाएं तो 2 लाख और माइनस माइनस प्लस हो गया 1 लाख, तो ये हो गया 3 लाख, ठीक है, समझ में आया। तो कितना इंक्रीज किया, ये इंक्रीज कर रहा है 3 लाख, तो इसका कितना परसेंट होगा, ये परसेंट होगा पहले तो जो इंक्रीज किया 3 लाख इंक्रीज किया मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का कितना 1 लाख, तो कितना हो रहा है 300%, है ना 300%, तो इसे यहां पर दिखा दिया 300%, ये हो गया। और उसके बाद में अदर एक्सपेंस भी था, तो अदर एक्सपेंसेस ये कितना है, ये है प्रीवियस ईयर में 1,80,000 और उसके बाद में करंट ईयर में 1,76,000, तो ये क्या हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, करंट ईयर वाला
से प्रीवियस ईयर वाला ज्यादा है तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कितने से डिक्रीज हुआ, तो 4000 से। तो ये माइनस में, जो नेगेटिव है उसे कहां दिख, कैसे दिखाना है, सो ब्रैकेट में दिखाना है। अब इसका परसेंट निकालते हैं, और जो परसेंट आएगा वो भी नेगेटिव ही होगा। तो पहले तो 4000 मल्टीप्लाई परसेंट का 100 डिवाइडेड बाय 180,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.22, लेकिन माइनस में, नेगेटिव है ना, तो इसे दिखाएंगे 2.22, ये हो गया। और तो कुछ नहीं है, नहीं है। अब इसका करेंगे टोटल, तो कितना होगा, 19,20,000। तो 1,19,20,00,000 80,000, जिसमें से 1,00,000 निकल गया, तो बचा कितना, 19,80,000। और ये हो गया 20 + 22, 22,00,000, 23,00,000, 23,00,000, 76,000, 23,76,000, ठीक है। और ये हो गया 3,96,000, 3,96,000, 23,76,000 में 19,80,000 डिवाइड किया तो 3,96,000। अब इसका परसेंट, तो ये कितना परसेंट है, तो उसी तरह 3,96,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला 19,80,000। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 20%, ठीक है। तो ये यहां पे लिख दिया 20%, ये हो गया। अब क्या करना है, अब हम लोग इनकम में से एक्सपेंस घटाएंगे। इनकम क्या है, ये इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से सारा एक्सपेंस घटाएंगे। एक्सपेंस भी हमारे पास आ गया, तो हमारा जो निकल कर आएगा वो निकलेगा प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना नहीं है, क्योंकि टैक्स दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैसे भाई। तो एक नंबर में से दो नंबर को डिडक्ट किया, कहने का मतलब 30,00,000 में से 19,80,000 को डिडक्ट किया, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10,20,000, 10,20,000, ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रीवियस ईयर में। और करेंट ईयर में 40,00,000 में, 40,00,000 में ये 23,76,000 डिडक्ट करेंगे, तो ये कितना होगा, 16,24,000, ठीक है। ये करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया बिफोर टैक्स। अब इसका चेंज, एब्सोल्यूट चेंज कितना है, तो 16,24,000 में 10,20,000 डिडक्ट करेंगे, तो आएगा हमारा 6,04,000। और इसका परसेंट निकाल लेंगे, तो परसेंट कैसे निकलेगा, तो 6,04,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 10,20,000, ये आ जाएगा 59.21%, 59.21%, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया। अब अगला देखते हैं, ये देखते हैं अगला सवाल क्या है। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये जो सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है। क्या दिया हुआ, सेल्स प्रीवियस ईयर, मतलब 2021 प्रीवियस ईयर है, 2022 जो है हमारा करंट ईयर है। तो सेल्स जो है प्रीवियस ईयर में 2,00,000, करंट ईयर में 3,00,000, परचेजेस 1,00,000 प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 2,00,000, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,20,000 प्रीवियस ईयर में, जबकि करंट ईयर में 2,10,000। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या है, 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ये हमें निकालना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में 5% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और लास्ट में इनकम टैक्स 30% है दोनों में ही। तो बनाते हैं,
क्या हो गया? पहला कॉलम पार्टिकुलर, उसके बाद में नोट नंबर, उसके बाद में प्रीवियस ईयर, और फिर करेंट ईयर, और उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज, और फिर परसेंटेज चेंज। ठीक है, क्या बना रहा है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 एंड 31st March 2022। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये एक नंबर है ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्या है, कितना है, तो सेल्स जो है वही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो भाई 31 मार्च 21 को कितना, 2 लाख। यहां पे अच्छा यहां पे लिखा नहीं है, लिख देते ना 2021 ऐसे लिख देते, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022। और यहां पे क्या लिखते हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज या डिक्रीज, और यहां परसेंटेज चेंज इंक्रीज या डिक्रीज। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, पहले साल 2 लाख, प्रीवियस ईयर में 2 लाख, और करंट ईयर में 3 लाख। तो भाई चेंज कितना हुआ, करंट ईयर वाले से क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर को घटाते हैं। अगर करंट ईयर वाला ज्यादा है तो इंक्रीज कर रहा है, और अगर प्रीवियस ईयर वाला ज्यादा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो करंट ईयर क्या जाता है, 2 लाख से 3 लाख हो गया, तो 1 लाख इंक्रीज। और इसका जो परसेंट निकालते हैं कैसे निकालते हैं, क्या नीचे में कर देते हैं नहीं? तो कितना बड़ा, या यहीं पे कर सकते हैं, यहां पर जगह है ना, 1 लाख मल्टीप्लाई 100, 1 लाख ये जो बड़ा है ना, मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला 2 लाख, तो कितना आ जाएगा, 50%। ठीक है, तो यहां लिख दिया 50%, और इनकम कुछ नहीं है, अदर इनकम वगैरह नहीं है, तो इसे यहीं पे कर दिया। इसके बाद में अगला आता है एक्सपेंस, 2 नंबर, तो 2 नंबर में लेस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में क्या है, तो दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और परचेज। अच्छा ये ध्यान रखना है कि जहां पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया, सोल्ड दिया हुआ है और फिर परचेज भी दिया है, तो परचेज पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना, हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेकर चलना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये कितना है, 1,20,000, फिर 2,10,000, 1,20,000, फिर 2,10,000। तो ये कितना इंक्रीज किया, करंट ईयर में 2,10,000 है, जबकि प्रीवियस ईयर में 1,20,000, तो ये 90,000, इसमें से 2,10,000 में 1,20,000 डिडक्ट करेंगे तो 90,000, ये हो गया 90,000। अब इसका भी परसेंट निकालते हैं भाई, तो 90,000 ये वाला अमाउंट मल्टीप्लाई परसेंट का 100 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो ये कितना होगा, ये होगा 75%, यहां लिख दिया 75। ठीक है,
अब इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ये हमें निकालना पड़ेगा। क्या बता रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 21 में और 5% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट है 2022 में। ठीक है, तो हम दोनों के ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारा निकल जाए। हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो 2021 वाला पहले कर लेते हैं। तो 2021 में क्या ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। 2021 में सेल्स कितना था? 200,000। यहां पे लिख लेते हैं सेल्स कितना 200,000, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड COGS कितना है? 1,20,000। तो हमारा निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 200,000 में 1,20,000 डिडक्ट किया 80,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया कर। तो 2021 में और 2022 में, तो 2022 में सेल कितना था? 300,000, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 2,10,000। तो यहां पे कितना आएगा? 300,000 में 2,10,000 डिडक्ट किया तो 90,000, 90,000। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट दोनों साल का निकल गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या है? 10% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 2021 में, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 80,000, 80,000 का 10% कितना होगा भाई? तो 8,000। और यहां 2022 में 5% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहां पे कितना है? 90,000। 90,000 का 5% कितना हो जाएगा? 4,500, 4,500। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इस तरह से निकल गया। इसे लिखेंगे यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है प्रीवियस ईयर का? 8,000। और यहां करंट ईयर में 4,500। अब इससे अगर डिडक्ट करें तो क्या होगा? 3,500, जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि करंट ईयर में कम है जबकि प्रीवियस ईयर में ज्यादा है, तो नेगेटिव होगा 3,500। इसे दिखाएंगे ब्रैकेट में। अब इसका भी परसेंटेज निकालेंगे तो 3,500, 3,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला 8,000, तो कितना आएगा? 43.75। लेकिन उसे दिखाना है ब्रैकेट में क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में और तो खर्च कुछ है नहीं, अब करेंगे इसका टोटल हम लोग। तो 1,28,000 और यहां पे हो गया 2,14,500। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, ये होगा 86,500। अच्छा, इसे तो ब्रैकेट में रखना है, ये जो परसेंटेज निकला इसे ब्रैकेट में दिखाएंगे, ठीक है। तो अब जो परसेंट आया क्या आया, तो 86,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 1,28,000, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 67.58%, ठीक है, 67.58%। तो यहां पे लिख दिया 67.58। अब इसका ये हो गया, ठीक है, एक्सपेंस का और इनकम का। अब निकालेंगे हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट ये 3 नंबर, प्रॉफिट बिफोर
टैक्स, तो क्या एक नंबर माइनस एक नंबर इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस दो नंबर हमारा एक्सपेंस का टोटल है। तो इस 2 लाख में एक नंबर है 2 लाख और दो नंबर है 1,28,000। तो 2 लाख में 1,28,000 डिडक्ट किया तो आएगा 72,000। ठीक है, ये हो गया। और इसी तरह करंट ईयर वाला 3 लाख में 2,14,500 डिडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 85,500। ये हो गया। अब ये कितना इंक्रीज कर रहा है, तो 85,500 में 72,000 डिडक्ट करने पे आएगा 13,500। अब इसका भी परसेंटेज निकाल लेंगे तो 13,500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 72,000, तो ये परसेंट आएगा हमारा कितना, ये आएगा 18.75%। इसे यहां पे लिख दिया 18.75%। अब इसके बाद इनकम टैक्स कितना नंबर भाई, तो 4 नंबर इनकम टैक्स, दोनों में ही 30% है, दोनों ही साल में एट द रेट ऑफ 30%। तो किसका 30% निकालना है, इस इनकम या प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसका, तो 72,000 का 30%, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 21,600। ये तो हो गया 2021 में प्रीवियस ईयर में। और इसी तरह यहाँ पे 85,500 का निकाल लेंगे, ये हो गया 2021 वाला इनकम टैक्स, और ये 2022 में, तो 22 में था 85,500 मल्टीप्लाई 30%, तो इसका कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 25,615। ये हो गया इनकम टैक्स, इसे लिख लेते हैं यहाँ पे कितना 21,600 और 25,650। अब इसका डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस होगा 4,050। अब इसका भी परसेंटेज निकालेंगे, तो ये जो 4,050 है मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 21,600 प्रीवियस ईयर वाला, तो ये भी आएगा 18.75% ही, है ना, 18.75। ये हो गया इनकम टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया उसमें टैक्स घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। तो ये 5 नंबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कैसे, तो 3 नंबर में मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, ठीक है, 3 नंबर में है, 4 नंबर इनकम टैक्स है ना को घटा देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इनकम टैक्स घटा देंगे, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो 72,000 में 21,600 डिडक्ट करेंगे तो आएगा 50,400, और इसी तरह 85,500 में 25,650 डिडक्ट करेंगे तो आ जाएगा कितना, 59,850। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में उसी तरह इसके इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 59,850 जो करंट ईयर का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसने 50,400 डिडक्ट किया तो इससे डिडक्ट करने पर आएगा 9,450, और अब परसेंट निकाल लेंगे तो भाई कितना हुआ इंक्रीज, तो 9,450 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर वाला 50,400, तो आ गया हमारा कितना परसेंट, ये भी आएगा 18.75% ही, ठीक है, 18.75%। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
तो ये हम लोगों ने ये एक और कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।